नमस्कार दोस्तों, हरियम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन दो का हल करेंगे। आकृति में यदि ए बी समांतर सी डी, सी डी समांतर ई एफ और वाई जेड का अनुपात 3:7 है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, वाई और जेड का अनुपात दिया हुआ है। वाई और जेड का देखिए, वाई 3 और इसका 7 दिया हुआ है। इसको अगर 3x मान लेंगे, इसको 7x, अगर x का वैल्यू 5 आएगा तो ये कितना हो जाएगा, यानी 3 × 5 और ये हो जाएगा, देखिए 7 × 5 तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 35। उसी तरह x का वैल्यू अगर 10 आएगा तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 70। ठीक है, इसका वैल्यू 10 आएगा, 10 × 30 ये 10 × 70। उसी तरह x का वैल्यू अगर 15 आए तो ये 15 × 7 = 105 हो जाएगा और ये 15 × 45 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए, मान लेंगे, माना y बराबर 3a तथा z बराबर 7a मान लेते हैं। ठीक है, देखिए, अब चूंकि ए बी समांतर सी डी और सी डी समांतर ई एफ है, इसलिए ए बी समांतर ई एफ होगा। ठीक है, ए बी समांतर ई एफ होगा। ठीक है, ये प्रमेय 6.6 में सिद्ध कर दिए, अगर आप नहीं देखें तो देख सकते हैं। ठीक है, देखिए, जब ए बी और ई एफ समांतर होगा तो एक्स और जेड बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण है, इसलिए एक्स बराबर जेड होगा। क्यों होगा, इसका कारण दे देंगे, एकांतर कोण। ठीक है, ये एकांतर कोण है तो जेड क्या माने, 7a। ठीक है, अब देखिए, चूंकि ए बी समांतर सी डी है, ए बी समांतर सी डी है, इसलिए x प्लस वाई बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, देखिए, ए बी और सी डी समांतर है, देखिए ये तिर्यक रेखा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी एक्स और वाई को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ कारण में लिख देंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, एक ही ओर के अंतःकोण। ठीक है, कारण में लिख देंगे। अब देखिए, यहाँ एक्स, देखिए एक्स यहाँ कितना है, 7a, और वाई कितना है, देखिए वाई है 3a, तो यहाँ लिख देंगे 3a बराबर 180, या 7 × 10 a बराबर 180 डिग्री। तो देखिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 180, ये बट्टा में जाएगा 10, 100 काट दिए, इसलिए a बराबर आ गया 18 डिग्री। ठीक है, तो देखिए, तो x का मान निकालना, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, यानी x, देखिए यहाँ x कितना निकला है, x 7a। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 7a, यानी 7 और a का मान है 18, तो 18 के 7 से गुना करेंगे तो 18 × 7 = 126। ठीक है, 126 ये हो गया, x का मान निकल गया, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो उसी तरह ये हो जाएगा 18 × 3 = 54, देखिए 54 और ये 126, देखिए। ठीक है, तो 180 होगा। ठीक है, वीडियो अंत करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें। धन्यवाद।